भरोसा दिलाता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जितनी बार बजट प्रस्तुत करेंगे 2019 का दरवाजा हमारे लिए वैसा ही खुला रहेगा जैसा 2014 में खुला रहेगा। जरा बैठ के सुन लेते हैं आप दिग्विजय सिंह जी। 1 फरवरी 2017 बसंत पंचमी का दिन था जिस दिन बजट प्रस्तुत किया गया। कहा जाता है विद्यावाहिनी हंसदायिनी का दिन होता है, वो धूप छांव के बहते इस धरा को सजाने, ऋतुराज को मनाने बसंत आ गया, गीत प्रेम के सुनाने मनमीत को मनाने, सुख समृद्धि को बढ़ाने बसंत आ गया। और ये बसंत पंचमी के दिन प्रस्तुत बजट भारत के आर्थिक परिवर्तन का संकेत लेकर आया था। और ये संकेत मैं समझता था कि विपक्ष के लोग भी समझेंगे। मैं उस दिन का इंतजार करता रहता हूं सदन में कि कोई तो अच्छी बात होगी सत्ता पक्ष द्वारा जिसकी प्रशंसा विपक्ष के लोग करेंगे। लेकिन वर्षों वित्त मंत्री रहे चिदंबरम जी ने जिस तरह से कहा कि ये होपलेस बजट है, विमुद्रीकरण का परिणाम क्या होगा, यह आपसे इसी तरह की भाषा की आशा थी, क्योंकि आप कभी भी आंख वाले को आंख वाला नहीं कह सकते, सूरदास को सूरदास नहीं कह सकते, आप सूर्योदय को अंधेरा कहने में विश्वास रखते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2017-18 का जो बजट है वो गरीबों के लिए है, किसानों के लिए है, मजदूरों के लिए है, दलितों के लिए है, शोषितों के लिए है, पीड़ितों के लिए है। और यही बात है कि यह बजट आप जैसे समृद्ध लोगों के समझ में नहीं आ रही है। यह वर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो हमारे दर्शन के प्रमुख थे, ये उनके शताब्दी समारोह वर्ष है। और यह वर्ष हमने गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और यही कारण है कि इस बजट में केंद्र बिंदु बनाया गया है भारत के गरीब को। पिछले बजट में भी सबसे पहले ग्रामीण व्यवस्था को सुधारने की, किसानों को हम हमेशा कहते रहे, आजादी के पहले वर्ष में लाल किले के प्राचीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि भारत कृषि प्रधान देश है, किसानों का देश है। कहते तो आप रहे, लेकिन इस देश में बजट किसी ने प्रस्तुत किया है किसानों के लिए, गांव के लिए, तो नरेंद्र मोदी जी और अरुण जेटली जी के बजट ने प्रस्तुत किया। आपके बजट में कभी किसान नहीं दिखे, आपके बजट में कभी गांव नहीं दिखा, आपके बजट में कभी समृद्धि गांव की नहीं दिखी, आपके बजट में आपने गांव गरीब मजदूर को सदैव दूर रखा है। और इसलिए उसका कारण था, आजादी के बाद सबसे ज्यादा बजट प्रस्तुत किया आपने, 60 से अधिक बजट। और मैं आज एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, आपने हमेशा वोटरों के लिए बजट प्रस्तुत किया, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव नागरिकों के लिए बजट प्रस्तुत किया है। हमने लुभावने नारे नहीं दिए, हमने जो किया है वो जो करते हैं वही कहा है। आप चले जाइए, वित्त मंत्रालय के indiabudget.inic.in पर पिछली बार जितने बजट में घोषणाएं की गई थी, ये किसी से छुपा नहीं है, 90 से 95% प्रत्येक विभाग मंत्रालय ने अपना काम किया है। जो भी हमने बजट में कहा था, मेरी चुनौती है कि कोई साबित कर दे कि काम नहीं हुआ। और मैं आपके बजट का एक एक उदाहरण दे सकता हूं जिसमें आपके 10 साल पहले जो आपने घोषणा की थी वो आज भी पूरा नहीं हुआ, आपके कार्यकाल में 10 साल में नहीं पूरा हुआ। क्या सुनना चाहते हैं आप? देश की जनता को गुमराह आप नहीं कर सकते, देश की जनता जानती है 70 साल में यदि लोकतंत्र में सबसे अच्छी बात हुई है तो देश की जनता मजबूत हुई है, उसकी जानकारी बढ़ी है। किसी अच्छे चीज को अच्छा कहने का साहस चाहिए, और यह आज राजनीति की महती आवश्यकता है। इसलिए चिदंबरम जी जैसे इतने विद्वान वित्त मंत्री रहे और वो कह रहे कि एक शब्द एक लाइन इसमें काम का नहीं है। काम का कौन है ये समय तय करेगा। मैं तो आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं, इस देश में इस बजट में क्या क्या किया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। सरकार ने बजट 2017-18 में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्राथमिकता देते हुए
कई बड़ी बातें कही हैं और उसको करने की कोशिश की है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ी सहायता देते हुए सरकार ने कुल ग्रामीण आवंटन को बढ़ाकर, आप कहते हो कुछ किया ही नहीं, रक्षा में कुछ नहीं किया, यहां बढ़ाकर 1,87,233 करोड़ रुपए कर दिया है, जो 2016-17 के बजट में केंद्र सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए 87,765 करोड़ रुपए आवंटन किए थे। ये किसने किया? क्या आपने कभी बढ़ाया था? मुझे नहीं लगता। लेकिन हमने यहां पर गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उसमें राशि आवंटन भी, और ये देख सकते हैं आप, आपने बार बार कहा, एक जगह मैंने चैनल पे सुना कि मनरेगा में आपने कुछ नहीं किया, मनरेगा में सैटेलाइट से काम हो रहा है, 5 लाख से अधिक तालाब, आप साइट पर चले जाइए, भारत में यदि किसी ने बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी नीत की सरकार ने बनाया है 5 लाख। आपने मनरेगा में क्या किया था? गड्ढे खोद दिए थे, कोई काम ही नहीं। लेकिन आज ये दावे के साथ कहा जा सकता है, किसान की बड़ी राहत देते हुए सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 10 लाख करोड़ रुपए कर्ज देने की व्यवस्था की है। आपने क्या किया आप बता सकते हैं? किसानों को मजबूत करिए, खाली कहने से नहीं होगा कि भारत कृषि प्रधान देश है, हमारा अर्थ उस पर आधारित है, ये कहकर कर आपने वर्षों देश को छला है, और छले हुए लोग अब जान गए हैं कि आप कैसी बातें करते हैं। किसानों को बड़ी राहत देते हुए 10 लाख करोड़ का दिया है, वहीं वित्त वर्ष 2017-18 में सरकार ने जम्मू कश्मीर और पूर्वांचल राज्यों के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए किसानों को कर्ज में प्राथमिकता देने का अपना अहम फैसला किया है। कभी सोचा था आपने कि पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में कोई बात करेगा? लगातार इस सरकार की निगाह 7 सिस्टर स्टेट्स पर है, लगातार हमारी निगाह जम्मू कश्मीर पर है, हमने इसको भारत का अविभाज्य अंग माना है, और कहते हैं तो करते हैं। इसलिए आपको ये देखना होगा, इस साल खेती में 4.1% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, इस साल खेती 4.1% की दर से बढ़ने की उम्मीद, माइक्रो सिंचाई फंड के लिए शुरुआत 5,000 करोड़ रुपए इस सरकार ने अपने बजट में रखे हैं। इतना ही नहीं, डेयरी उद्योग के लिए नाबार्ड के जरिए 8,000 करोड़ रुपए का इंतजाम, दुग्ध पैदावार के लिए 300 करोड़ रुपए को शुरुआत की गई है। हरदम मजाक नहीं होता है, यह किसानों के प्रति चिंता है, पशुपालन के प्रति चिंता है, गांव से जानवर भाग रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उसकी रक्षा हो उसकी चिंता की गई है। नाबार्ड के कंप्यूटरीकरण को बढ़ावा दे ताकि किसानों का कर्ज देने में उसे आसानी हो। इतना ही नहीं, अभी उर्वरक सब्सिडी के बारे में चिदम्बरम जी कह रहे थे, वर्ष 2017-18 में उर्वरक क्षेत्र के लिए दी गई सब्सिडी 70,000 करोड़ रुपए होगी, जो स्तर वर्ष 2016-17 में था वही स्तर रहेगा इसका। फास्फेटिक और पोटेशियम पीएड के खंड के लिए सब्सिडी को 6% बढ़ावा दिया गया है। भारत ने परियोजना के लिए 10,000 करोड़ का आवंटन किया है, नए परियोजनाओं में इस आवंटन के साथ 1.5 लाख पंचायतों तक, 1.5 लाख पंचायतों तक तीव्र गति से हम इंटरनेट को पहुंचाकर काम करने के लिए लक्ष्य कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाने की बात की जा रही है। आप मजाक, कल एक सज्जन कह रहे थे कि हम क्या वो खाएंगे कार्ड, देश का विकास और देश की प्रगति सिर्फ रोटी से नहीं होती है, हम लोगों के मन को जीतने का काम करते हैं, हम प्रगति के दौर में पीछे नहीं रहना चाहते, हम पुरातन को छोड़ना नहीं चाहते, नूतनता की ओर बढ़ते हुए पुरातन के साथ भी काम करना चाहते हैं, ये हमारे कार्य की परंपरा है। ग्रामीण इलाकों में 60% सैनिटेशन का काम शुरू किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार में के नाम को 250 से बढ़ाकर 500 APMC तक करना एक और स्वागत योग्य कदम इस बजट में रखा गया है, या किसानों के अपने उत्पाद को बेचने के लिए अधिक विकल्प और अधिक रास्ता खोलने की बात की गई है। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत गांव में बिजली पहुंचाने के लिए 4,818 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है, ताकि मार्च 2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाई जा सके। आप दावे के साथ कहते हो हमने ये प्रगति की, हम चंद्रयान पे गए, हम मंगलयान पे गए, गांव में बिजली तो आपने, 18,000 गांव वंचित थे बिजली से,
और उसको एक साल में पूरी तरह से बिजली युक्त करने का काम हमारी सरकार ने किया है और उसका प्रावधान बजट में रखा गया है और इसीलिए 4,818 करोड़ रुपए रखे गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास ग्रामीण के लिए बजट अनुमान 2016-17 में किए गए 15,000 करोड़ रुपए के आवंटन को बढ़ाकर 2017-18 में 23,000 करोड़ रुपए कर दिया गया, ताकि जिससे बेघर लोगों को, कच्चे घरों में रहने वाले लोगों के लिए 2019 तक 1 करोड़ मकानों का निर्माण पूरा कर दिया जाए। ये इस सरकार की हिम्मत है, ये सरकार निर्णय लेती है, फैसला लेती है और जो कहती है उसको करने में विश्वास रखती है। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए वर्ष 2017-18 के लिए 19,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इससे ग्रामीण इलाकों में सड़कों का विस्तार किया जा सकेगा और सारे गांव के 12 मासी सड़कों के बीच जोड़ने का काम किया जाएगा। सरकार की पहल में यह एक अहम भूमिका होगी और जिसके लिए जब तक परिवहन नहीं होगा तो गांव का माल बाजार तक कैसे आएगा, गांव का माल शहरों तक कैसे जाएगा, इसलिए 23,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2016-17 में 133 किलोमीटर सड़क का प्रतिदिन निर्माण किया गया था, जबकि वित्त वर्ष 2015-16 में यह 73 किलोमीटर था। लगातार प्रगति, मामला सड़क का हो, मामला बिजली का हो, मामला खेती का हो, ये सब मामलों में हमने बढ़ने की कोशिश की है। मनरेगा को रिकॉर्ड, पिछली बार कहा गया कि आपने पैसे काट दिए, अरे इस बार नहीं काटे, इस बार 48,000 करोड़ रुपए मनरेगा को देने की बात की है और कहा गया है कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत 48,000 करोड़ रुपए दिए हैं। पिछले बजट में मोदी सरकार ने मनरेगा के लिए 38,000 करोड़ का आवंटन किया था। मनरेगा में इस बार 5 लाख तालाब खुदे हैं। अब की बार तय किया है कि मनरेगा में अंतरिक्ष विज्ञान की मदद से पूरा काम स्पेस टेक्नोलॉजी से लिया जाएगा और 10 लाख तालाब खोला जाएगा, वहां पे खोदा जाएगा। मनरेगा में महिलाओं के भागीदारी बढ़कर पिछले साल अब क्या था, 2014 के पहले 25 से 30% महिलाएं काम करती थी, आज 55% महिलाएं मनरेगा में काम कर रही हैं। ये किसकी सफलता है? ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में 2014 में 82% सुधार हुआ। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि 65% गांव में स्वच्छता अभियान धड़ल्ले से चल रहा है। लोग जागरूक हुए हैं, लोग खड़े हुए हैं कि नहीं, यदि मेरा गांव स्वच्छ रहेगा तो मेरा भारत स्वच्छ रहेगा। क्या ये काम नहीं करना चाहिए? क्या ये काम करना, इन बातों की प्रशंसा कौन करेगा? हमें नहीं चाहिए, देश की जनता हमारी प्रशंसा कर रही है। कुछ नेता यदि चुप रहे तो उससे हमारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। कौशल विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास को बढ़ावा देने और उसकी आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत के लिए आवंटनों को बढ़ाने की प्राथमिकता की गई है, प्रस्ताव किया गया है। इसके जरिए 1 करोड़ परिवारों को इस बार गरीबी रेखा से बाहर किया जाएगा। हम कोई नारा नहीं लगाते, सन 1971 से नारा लग रहा है, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ। आपको हटा दिया लेकिन आप गरीबी नहीं हटा पाए। लेकिन हमने कहा है कि अगर 1 करोड़ लोगों को आवास देंगे तो इसी मंच, इसी सदन में अगली बार हम आपके सामने कहते हुए मिलेंगे कि हमने 1 करोड़ लोगों को आवास दिया। हम ये कहते हुए मिलेंगे कि हमने 1 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर किया, क्योंकि हमारी नीयत में खोट नहीं है। हम नागरिकों को वोटर की निगाह से नहीं देखते कि कौन हमको वोट देगा। भारत बचेगा, देश बचेगा तो हम बचेंगे। हम इस मानसिकता के लोग हैं और इसलिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत क्रेडिट सहायता योजना के लिए आवंटन को बढ़ा दिया गया है, 3 गुना कर दिया गया है। आप कह रहे थे रोजगार, क्या रोजगार सिर्फ नौकरी का नाम है? अरे हम तो ऐसे लोग खड़े कर रहे हैं जो रोजगार नहीं, रोज खुद नहीं कमाएंगे,
लोगों को रोजगार देने की चेष्टा की दिशा में बढ़ रहे हैं, वो खुद 10-50 लोगों को रोजगार दे ऐसा काम हम कर रहे हैं और ये बेरोजगारी समाप्ति की दिशा में बहुत बड़ा कदम बढ़ रहा है। सस्ते आवास और रियल इस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने की घोषणा भी हमारे इस बजट में की गई है। वित्त मंत्री ने साल 2016-17 के वर्ष में घोषित सस्ते आवास योजना में कुछ और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब वर्ष 2017-18 में 30 और 60 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र की बजाय अब 30 और 60 वर्ग मीटर कॉरपोरेट क्षेत्र की गणना की जाएगी। इस योजना के तहत कार्य प्रारंभ होने के बाद भवन निर्माण की पूरा करने की अवधि में वो मौजूदा 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। ये काम कौन करता है? सामान्य मध्यम श्रेणी परिवार के लिए किया गया है। सस्ते आवास के आधारभूत संरचना रखने की कोशिश की गई है। हमने कहा है कि इससे सस्ते आवास में जुड़े परियोजनाओं को आधारभूत संरचना के संबद्ध करने के लिए उनको लाभ देने के लिए बात की गई है। राष्ट्रीय आवासीय बैंक वर्ष 2017-18 में 20,000 करोड़ रुपए के व्यक्तिगत आवासीय ऋण की पुनर्गठन किया गया है, व्यवस्था की गई है। विमुद्रीकरण से बैंकों में नकदी प्रवाह बढ़ा है, जिसके चलते बैंकों ने आवासीय ऋण समेत अन्य ऋणों की भी कुछ दरें पहले से कम कर दी गई है। यही नहीं, प्रधानमंत्री द्वारा आवासीय ऋण पर ब्याज में रियायत की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। उपसभापति महोदय विमुद्रीकरण पर बहुत दुख प्रकट कर रहे थे, मुझे हैरानी है देश के सामान्य नागरिक जिन बातों पर कितने चैनल वाले गए थे, आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है? 100 में से 80 लोग जो ग्रेजुएट नहीं थे, 10वीं पास नहीं थे, वो ये कहते सुने गए चैनल पर कि यह जो विमुद्रीकरण है ये भारत के भविष्य को बदलने वाला निर्णय है। आज हमें लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है लेकिन कल भारत का भविष्य सुधरेगा। उनके लिए, उन गरीब लोगों के लिए भारत उनका सपना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कुछ हमारे नेताओं का सपना क्या है। आप अपना घर बर्बाद, पता नहीं क्या हो गया है। अच्छी बात को कब कहेंगे अच्छा? राजनीति में स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए। हो सकता है कि हम वहां जब बैठते थे तो आपकी बुराई की होगी, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि अगर हमने बुराई की तो आप भी अच्छी चीजों को बुरा ही बुरा कहो। ये समझ में नहीं आता है। समय बदल रहा, आप अगर समय के साथ नहीं चलेंगे समय झटकार देगा आपको। 405 वाली संख्या वाले लोग 44 पर आते हैं। चिंता ये करिए कि जनता 44 पर क्यों लाई आपको। बहुत अच्छा वित्त आपने प्रस्तुत किया था इसलिए लाई, ऐसा नहीं। आपने देश के साथ नियत में खोट थी आपके, आपने जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश की। हम नरेंद्र मोदी जी के बिहाफ पर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश को मूर्ख नहीं बना रही, इस देश को सबल बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है। हर गरीब के आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं और यही कारण है विमुद्रीकरण के बाद जितने चुनाव हुए देश में, एक उपचुनाव शहडोल में होता है, हम कितने मतों से जीतते हैं। अरे चंडीगढ़ पढ़े लिखे लोगों का शहर है, 22 जगह भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, 21 जगह भारतीय जनता पार्टी है जीतती है। कांग्रेस 0-0 साफ। कांग्रेस का चंडीगढ़ का अध्यक्ष चुनाव हारता है। यह है विमुद्रीकरण का खेल। अगर इसको गेम्स ऑफ नंबर में, अगर आंकड़ों में देखना चाहते तो आइए, कहां चलेंगे आप? गुजरात में आप चलेंगे? महाराष्ट्र में सारे नगरी निकायों के चुनाव में क्या स्थिति हुई है? विमुद्रीकरण की आड़ में राजनीति मत करिए। हमने कहे इतना बड़ा साहस कौन ले सकता है? वोट की चिंता किए बगैर नरेंद्र मोदी ने भारत माता के वैभव पर ले जाने के लिए इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया। क्या पड़ा था उनको? और उन्होंने कहा कि मैं फक्कड़ हूं, मुझे क्या है, मैं झोला लेकर आया था, झोला लेकर चल दूंगा, लेकिन भारत माता को फक्कड़ नहीं बनने दूंगा, भारत माता को मजबूत बनाने के लिए इतना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह समझने की कोशिश करना चाहिए। इतना ही नहीं है, फसल बीमा का मजाक उड़ा रहे थे। आपकी फसल बीमा क्या है? किसान सिर पकड़कर उनका जो बैंक में पैसा जमा होता था उसी में से काट लेते थे। आज क्या स्थिति हुई है? आज स्थिति यह है कि खेत ही नहीं, अगर खलिहान में फसल कट कर आ गई है और बारिश पड़ती है, बारिश होती है उसमें फसल खराब होता है, तो यह सरकार फसल बीमा के तहत उस किसान को पैसा देने की,
आप देखिए तो सही, अरे कुछ विचार करिए। 15 साल से हम छत्तीसगढ़ में हैं, 15 साल से हम गुजरात में हैं, 15 साल से हम मध्य प्रदेश में शासन क्यों कर रहे हैं? हमने गरीबों के आंसू पोंछने वाली योजनाओं को धरती पर साकार किया है, हमने दीनदयाल जी के उस सपने को पूरा किया जो अंत्योदय है, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के आंसू पोंछने का काम किया है। राजनीति नौटंकी से नहीं होती मित्रों, सदन में कहना चाहता हूं राजनीति सेवा का नाम है और सेवा करने का बीड़ा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी सरकार ने उठाया है और यही कारण है कि उनके बजट में सेवा दिखता है, उनके बजट में गरीबों की गरीबी दूर करने के चित्र दिखते हैं और शायद वो हमें तो दिखता है, जनता को दिखता है, हमारे कुछ नेताओं को नहीं दिखता है। लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कितने बड़े फैसले किए गए और ये फैसला सामान्य नहीं है। लघु एवं मझोले उद्योग के लिए 50 करोड़ तक के टर्नओवर पर कॉर्पोरेट टैक्स में 30% से घटाकर 25% कर दिया गया। इसको कहिए तो सही कि आपने निर्णय लिया, ये निर्णय विमुद्रीकरण के बाद है, उसके पहले नहीं लिया गया है। अगर ब्याज दर में कमी की है कि आप 30% ब्याज नहीं देंगे, आप 25% देंगे, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? क्या लघु उद्योग इस देश में नहीं बढ़ना चाहिए? क्या मझोले उद्योग नहीं बढ़ना चाहिए? अगर ऐसा निर्णय किया है तो कहीं तो प्रशंसा करिए। इससे 6.67 लाख कंपनियों यानी 96% को लाभ पहुंचेगा। अब ये लाभ कितने गरीब मजदूर, वो कह रहे थे चिदंबरम जी कि 40 करोड़, अरे 40 करोड़ में 20 करोड़ तो यहां काम करते हैं, उनके भविष्य का फैसला तो सरकार ने अपने बजट में किया है। 40 करोड़ लोगों के आंसू यदि आप पोंछ देते तो 44 पर नहीं आते। हमने 40 करोड़ नहीं, हमने 125 करोड़ की आबादी वाले भारत में हर नागरिक की चिंता की है। अगर कोई व्यवसायी है तो उसकी चिंता की है, अगर वो वहां काम करता है तो उसकी चिंता की है, खेत की चिंता की, खेतिहर मजदूर की चिंता की, किसान की चिंता की, महिलाओं की चिंता की। गांधी जी के सपनों को साकार किया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक बहुत बड़े एनजीओ चलाने वाले व्यक्ति ने कहा कि गांधी के सपनों को साकार करने वाला अगर गांधी के बाद कोई इस धरा पर पैदा हुआ है तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी, जिसने स्वच्छता मिशन को साकार किया है, गांधी के सपनों को। क्यों नहीं किया आपने? कौन सा पैसा लग रहा था उसमें? हम स्वयं तो साफ रहना चाहते हैं, मोहल्ले को गंदा रखना चाहते हैं, जनता सब समझती है कि नेताजी सुबह से शाम क्या करते हैं। अब बड़ी पैनी निगाह से लोग देखते हैं नेताओं को, और इसलिए सबसे बड़ा साहस दिखाया है नरेंद्र मोदी जी के में बजट में अरुण जेटली ने कि राजनीतिक शुचिता की बात की गई। राजनीतिक शुचिता, आप तो कहते रह गए कुछ किया नहीं, हमने कहा कि अब 20,000 रुपए नहीं, अगर कोई नकद देगा तो 2,000 रुपए से ज्यादा नहीं, उसके बाद उसको चेक देना है। क्या ये साहस है आप में? नहीं कर सकते थे, और अगर आप करते तो जनता समझती। भारतीय राजनीति, आए दिन नेताओं पर आरोप लगते हैं, आए दिन नेताओं पर, इस देश में नौकरशाह और नेता इतने बदनाम हो गए हैं, उस बदनाम नेताओं को बदनामी से रोकने का काम इस बजट में किया गया है। और मैं बधाई देता हूं नरेंद्र मोदी जी और अरुण जेटली को, और साहसिक निर्णय ले, चुनाव आयोग मजबूती से निर्णय ले। देश का नेता यदि बेदाग होगा तो भारत की जनता का उठता विश्वास थमेगा, और नेताओं पर विश्वास यानी लोकतंत्र पर विश्वास होगा। आज लोकतंत्र से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, यह शर्म की बात है, यह दुख की बात है। बातें करने से कुछ नहीं होता, जीवन जीना पड़ता है। देश देखता है कि मेरा नेता कैसा जीवन दे रहा है। यह बजट एक एक भारतीय के जीवन के साथ जुड़ा हुआ बजट है, और इसलिए मैंने आपको यहां पर SC ST और अल्पसंख्यक, हमको कहा जाता है कि हम विरोधी हैं, मुस्लिम विरोधी हैं। आप मुझे बताइए कहां से हमने जीवन, मेरे बगल में मुंबई में जब रहता था मैं तो पनामा कंपनी में एक GM थे, वो हमारे पड़ोसी थे, महबूबा उनकी बेटी थी। राखी बंधन के दिन जब वो रोती थी तो मेरी माँ मुझे भेजती थी कि महबूबा से राखी बंधाओ। हम कभी भी इन बातों में नहीं पड़ते, खाली बदनाम करके राज करने की जो कोशिश की गई वो अच्छी बात नहीं है। राज खुलता है, इस देश के मुस्लिमों को भी समझ में आएगा कि इस देश को इस विचारधारा की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हम किसी भी भारतीय का विरोधी नहीं। राष्ट्र विरोधी जो है उसके सब लोग विरोधी होंगे, लेकिन राष्ट्र भक्तों का विरोध कोई नहीं कर सकता, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो।
इस बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री जी ने, अरुण जेटली ने कहा कि सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के कल्याण योजनाओं के लिए क्रियान्वयन करने पर विशेष जोर दे रही है। पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए कल्याण योजनाओं के लिए क्रियान्वयन करने पर विशेष जोर देते हुए बजट में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आवंटन में 35% से अधिक वृद्धि करने की घोषणा की है। अब उसके बाद भी आप हमें आरोप लगाएं, 35% इस बजट में हमारी जितने भी योजनाओं में राशि है उसका आवंटन बढ़ाया गया है। बजट 2017-18 में अनुसूचित जातियों के लिए आवंटन था 38,833 करोड़ रुपए, अब वो बढ़ाकर हो गया है 53,393 करोड़ रुपए किया गया है, यह लगभग 35% है। अब इसे कौन समझेगा? आप आरोप लगाइए, हमें लगाते जाइए जी। नहीं नहीं, अरे हमने हेड से एडजस्ट किया होगा, यहाँ तो हेड ही साफ कर दिया गया, आप तो हेड ही साफ करते रहे हैं। और अगर ये नहीं होता तो फिर पश्चिम बंगाल में क्या होता जो आपका हुआ है? दुनिया के मजदूरों एक हो और भाषण भागों में बढ़ गई, मार्क्सवादी भाषण भागों में बढ़ गए सारे सीपीएम सीपीआई। नो इंटरप्शन। बजट 2017-18 में अनुसूचित जाति के लिए मैंने बताया आपको, अनुसूचित जनजातियों के लिए आवंटन बढ़ाकर 31,930 करोड़ रुपए और अल्पसंख्यकों के मामलों के लिए आवंटन बढ़ाकर 4,195 करोड़ रुपए कर दिए गए। ये क्या कम बड़ी बात है? आप कितना आरोप, मैं देश के मुस्लिमों से कहना चाहता हूं कि पढ़ो इस बजट को, कितने स्कॉलरशिप बढ़ाए गए आपके लिए। स्कॉलरशिप में घोटाला, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 50,000 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप में खाली हो जाते थे। फर्जी राशन कार्ड में 13,000 करोड़ रुपए सरकार ने बचाया है, कहां कहां कितने गड्ढे। 70 साल से यही काम हुआ, उसमें 5-6 साल 10 साल छोड़ दीजिए। बुजुर्गों के लिए, इस देश में बहुत बुजुर्ग, उसके लिए कौन फैसला किया है? इस सरकार ने फैसला लिया है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की नई पेंशन योजना घोषणा इस सरकार ने की है। 8% उनका जो ब्याज है वो सुनिश्चित किया गया है। लाठी यदि हमने पकड़ लिया है तो इसका यह मतलब नहीं कि हम बेकार, उसको भी जीने का अधिकार, उसके आशीर्वाद से उसका घर फलता है फूलता है। और इसलिए वरिष्ठ नागरिकों भी चिंता की है, किफायती घर की बात हमने की है, किफायती घरों के इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाएगा, इससे बिल्डरों को सस्ते मकान बनाने में सरकारी मदद मिल पाएगी और निवेशकों को आकर्षित किया जाएगा। अब ब्लैक मनी की बात बहुत चली, उसमें कल अरुण जी ने भी कह दिया, मैंने भी कह रहा हूं, वो लोग चिंतित क्यों हैं? ब्लैक मनी तो निकलना चाहिए, सबकी बात है, लेकिन कुछ लोग चिंतित हैं। अब जो लोग चिंतित हैं, या तो वो ब्लैक मनी वाले होंगे या उनके घर में होगा। ब्लैक मनी का सब विरोध करते हैं, लेकिन चिंता क्यों कर रहे हो? आपको सरकार के हाथ में हाथ मिलाकर कहना चाहिए था कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन काश भारतीय राजनीति में ऐसा होता तो ब्लैक मनी वालों के हौसले बुलंद नहीं होते। लेकिन प्रधानमंत्री ने भरे सदन में कहा है कि 3 महीने से मुझ पर जुल्म हुआ है, चाहे जितना जुल्म हो नरेंद्र मोदी जनता के सामने झुकेगा लेकिन जुल्म के आगे नहीं झुकेगा। इसलिए काला धन अब जिन लोगों ने रखा है उनको बर्बादी के ठिकाने पर जाना ही पड़ेगा। काला धन अब इस देश का धन नहीं कहलाएगा, काला धन रखने वालों को जेल के सीकचों में भेजने का काम यह सरकार करेगी। इतना ही नहीं किया है, 3 लाख से अधिक की निकासी बंद करके हमने बहुत बड़ी रिफॉर्म करने की कोशिश की है कि 3 लाख रुपए से अधिक राशि की निकासी बंद होगी और इसके लिए अलग से सरचार्ज लगेगा। डाकघरों से पासपोर्ट, डाकघर बंद, 5 लाख एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय हैं, क्या उपयोग हो, क्या किया आपने? लेकिन हर डाकघर को बैंक बनाने की कोशिश, पासपोर्ट देने की बात, ये सब डाकघरों के लोगों को काम देने की बात कौन सोचता है इतना माइनूटली? सरकार ने एक एक व्यक्तियों के बारे में सोचने की बात की है। IRCTC रेल टिकट सस्ते, बहुत सारी बातें कही जा सकती है। अब इतना ही नहीं है, अब मैं किसी का नाम नहीं लेता, कोई पैसा लेके भाग गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने भगा दिया, पैसा आपने दिया, भगाया हमने दिया। कितनी बड़ी बात है।
वो कागज प्रस्तुत हुए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, बैंकों के पेपर बाहर आए हैं कि किसकी सरकार के कहने पर, किस सरकार के कहने पर संबंधित व्यक्तियों को पैसे दिए गए। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अरुण जेटली के वित्त बजट में ये साफ कहा गया है कि भगोड़ों के दिल लद गए, अब भगोड़े बचेंगे नहीं। जो पैसा सरकार का बैंक का लेगा वो भाग नहीं सकता। भगोड़ों के संपत्ति जब्त करने के लिए ऐसा कानून लाया जाएगा जो विदेश में होने के बावजूद भारत में उनकी संपत्ति जब्त कर दी जाएगी। हम यह साहस इसलिए करते हैं कि जिस सरकार की मॉरलिटी हाई होती है, नैतिक बल जिसमें होता है, ऐसे फैसले वही लेते हैं जो सरकार नैतिक रूप से मजबूत होती है। आधार की अहमियत, हमने कभी आपके आधार की बुराई नहीं की, लेकिन आधार की अहमियत उसको अहम वाला बनाने के लिए, उसकी पूर्णता के लिए जो बात कही गई है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार से जुड़ी हेल्थ कार्ड बनेंगे, कारोबार का आसान बनाने के लिए सरकार ने ब्रोकरेज कंपनियों को, म्यूचुअल फंड को, पासपोर्ट के लिए, पोर्टफोलियो के लिए, मैनेजर तथा डीमैट अकाउंट के लिए, पंजीकरण के लिए इस आधार कार्ड का उपयोग करेंगे। आम लोगों को राहत देने की बात की गई है। आयकर पर आ जाइए, आपने कहा कुछ नहीं किया, अरे आपने क्या किया, आपने तो टैक्स पे टैक्स लगाते गए। यहां पहली बार वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान सालाना 3 लाख रुपए तक की आय वालों को अब कोई भी कर नहीं देना होगा, ये इस सरकार ने फैसला किया। और इसके आगे कहा है कि 3 लाख से 5 लाख रुपए सालाना आय पर 10% टैक्स के बजाय केवल 5% ब्याज लगेगा, यह इस सरकार का फैसला है। मध्यम श्रेणी परिवारों के लिए कितनी बड़ी बात है। लेकिन ना, हमने तो बीड़ा उठाया है कि तुम अच्छा करोगे तो हम बुरा कहेंगे, कहिए। लेकिन देश की जनता अच्छे और बुरा का भला समझती है, उसको जानकारी रहती है। 5 से 10 लाख रुपए की आय पर 20% और 10 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स लगेगा, ये सारी बातें कही गई हैं। ऐसे में एक नहीं अनेक बातें गिना सकता हूं जिससे इस सरकार पर लाभ हो सकता है। कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूं। लगातार गरीबों के नाम पर शोषण किसने किया इस देश में, और आज हमारे सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, अगर हम कहीं से कुछ निकालते भी हैं तो हमारे सामने सिर्फ एक गरीब दिखता है, उसकी हड्डियां दिखती है, उसकी मांसपेशियां दिखती है, उसका चमड़ी दिखता है, उसकी पेट जो चिपकी हुई है रोटी के अभाव में वो दिखता है। हमारी कोशिश रहती है कि नहीं, गांव हरा भरा, गांव की खेती, उसकी फसल लहलाती हो, किसान के चेहरे पर मुस्कान आए। और इसलिए इस सरकार ने अपने बजट में सबसे बड़ी प्राथमिकता दी है गांव को, गरीब को, किसान को। हम सिर्फ ये नहीं कहते कि भारत कृषि प्रधान देश है, अगर भारत कृषि प्रधान देश है, उसका यदि कृषि आधारित अर्थतंत्र है तो किसान को मजबूत। मजाक उड़ा रहे थे चिदंबरी, दोगुनी आय, अरे आइए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार ने किस तरह से दोगुनी आय करने की किसानों का निर्णय लिया, कितनी बड़ी योजना बना के दी है। मैं निमंत्रण देता हूं चिदंबरम जी, 7 दिन के लिए मध्य प्रदेश आइए, हमारी योजनाओं को देखिए, वहां के किसानों से बात करिए, तब आपको पता लगेगा यह सरकार। और यही कारण है कि 2018 में भी मध्य प्रदेश के लोग अभी से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो 4थी बार आएगी, क्योंकि हम हमदर्दी से काम करते हैं, हम सच्चाई से, दिल से काम करते हैं, हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है। वित्त मंत्री जी, पूर्व वित्त मंत्री जी खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि हम आंकड़ों की जुगाली नहीं करेंगे, सिवा आंकड़ों की जुगाली के क्या किया, और अंत में रोए काहे पर, विमुद्रीकरण पर। क्यों इतने दुखी हो रहे हैं आप, आइए वो संपय, हाँ अब बताइए। जनता को आप कम से कम गुमराह मत करिए। मैं इस सदन से निवेदन करूंगा, इस सदन में बहुत अच्छे लोग, इसे अपर हाउस कहा जाता है, लोग कैसे आते हैं मैं नहीं जानता, मेरे जैसे जब लोग आ सकते हैं तो सब लोग आ सकते हैं, लेकिन इसकी गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बजट में क्या कोई ऐसा शब्द नहीं था, पहले तो उन्होंने कह दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था तीव्र गति से बढ़ रही है, और उसके साथ एक उछल्ला जोड़ दिया कि नहीं नहीं यूपीए सरकार में भी
तीव्र गति से बढ़ रही थी। तीव्र गति से आपकी गति तो बढ़ रही थी, लेकिन जनता में क्यों घट रही थी यह हमको समझा दो। जनता तीव्र और मंद दोनों का अंतर समझती है। जब तक आपकी आंखों के सामने जनता नहीं होगा, आपका बजट साकार नहीं होगा। इस बजट की जनता, इसकी बजट की आत्मा में भारत की आत्मा है, भारत का गरीब है। इसलिए यह बजट हम सबको स्वीकार किया है। हमने आद्योपांत पहले पृष्ठ से लेकर आखिरी पृष्ठ तक पढ़ने की कोशिश की है। किसी भी सरकार का यह गीता होता है, अर्थ गीता कहते हैं, इसकी ऋचाएं शब्द ऋचाएं होती है। उसके साथ मजाक नहीं करना चाहिए। राजनीति में हम विरोधी होंगे, मत अलग अलग होंगे, लेकिन इस तरह का मत नहीं होता है कि हम एक सिरे से खारिज कर दें। और इसलिए मैं निवेदन करूंगा, इस बजट को पी चिदंबरम जी दोबारा पढ़िए प्लीज। शायद पहली बार आपको पढ़ने में बात समझ में नहीं आया होगा, तीन चार बार पढ़े और तीन चार बार पढ़िए तो शायद समझ में आएगा। जब तक आप गरीब को नहीं समझोगे, तब तक वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस बजट को नहीं समझोगे। जिस दिन गरीब की पीड़ा समझ लोगे, उस दिन इस बजट को समझ लोगे। मैंने यहां जो कुछ भी बात रखने की कोशिश की है, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, पीड़ित, दलित, महिला, शिक्षा, रोजगार, इन सब चीजों को लेकर मैंने केंद्रित करके बात की है। और मुझे पूरा विश्वास है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इस शताब्दी समारोह में हमारे केंद्र बिंदु में जो गरीब है, उस गरीब को लेकर हम यह बजट आगे बढ़ेगा। और यह बजट अगर ऐसा ही रहा तो 2019 हमारा बाट जो रहा है, दावे के साथ कल गाजियाबाद की सभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपना हिसाब आपके बीच जब आएंगे 2019 में, तो घोषणा पत्र जिसे मैं संकल्प पत्र कहता हूं, उसकी एक एक शब्द के साथ आपके बीच में आएंगे। और मैं फिर कहता हूं कि एक बार फिर जाकर देखिए, ये वो पार्टी है, इस पार्टी की सरकार है, जिसने पिछले बजट में जो कहा था उसको 90% से 95% पूरा किया है। और जो काम पूरा नहीं हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, इतना प्रतिशत पूरा हुआ है। इतनी पारदर्शिता, इतनी ईमानदारी से जो सरकार काम करे, जनता उसे कभी नहीं छलती, जनता उसको छलती है। जो काम नहीं करते हैं और जो जनता को छलते हैं। अंत में एक बात मैं कहूंगा और ये कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा, अंधकार दे रहा चुनौती, दीप जलाने के दिन आए। अंधकार दे रहा चुनौती, दीप जलाने के दिन आए। झोपड़ियों में नई क्रांति का अलग जगाने के दिन आए। आज स्वयं को नहीं, राष्ट्र को सबल बनाने के दिन आए। कण कण की रक्षा हित, अगणित शीश बढ़ाने चढ़ाने के दिन आए। दीप जलाने के दिन आए, अंधकार दूर करने के दिन आए। अंधकार हटेगा, दीप जलेगा, सवेरा होगा। अब इसके आगे मैं कहूंगा तो कहेंगे आपकी पार्टी का नारा है, वो नहीं कहूंगा, लेकिन यह सत्य है कि सवेरा होगा, गरीब मुस्कुराएगा तो कमल खिलेगा। धन्यवाद। विश्वंभर प्रसाद।